क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। टोरंट को भगाएंगे हम, कॉम्प्रोमाइज करने वाले नेता नहीं। सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे शुरू करने वाले, वो तो आपने देखा कि बिलों में गड़बड़ी है। हम आमदार नहीं, हम खासदार नहीं, तो ये कहेंगे जो हमने बोला है वो करके दिखाएंगे। नितिन राउत को मुमरा लगे रहेंगे, पहला स्टे है उसके बाद बातचीत। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें जिस तरह से मुंडा कौसा में लगातार टोरंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी मुंडा शहर में उभर कर सामने आई है और टोरंट के खिलाफ जो है अब कांग्रेस भी मैदान में उतर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से टोरंट के खिलाफ लगातार जो है आंदोलन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आज जो है कांग्रेस ने जो है कांग्रेस के थाने जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज जो है अमित गार्डन में यहाँ पर एक जो है कार्यकर्ता सम्मेलन खास तौर पे जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है विरोध में एक बैठक की गई थी और इसमें जानकारी ली जा रही थी कि किस तरह से जो है टोरंट की क्या क्या खामियां है। कार्यकर्ताओं से जो है तमाम जानकारियां विक्रांत चौहान ने ली है और इस पूरे मामले पर हमने विक्रांत चौहान से भी बात की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने सुनिए। टोरंट के खिलाफ आज यहाँ पर बैठक हुई थी, क्या इस बैठक का क्या पूरा आप सब यहाँ पे उपस्थित थे, आपने देखा होगा कि हम जब से अध्यक्ष बने हैं हमने जो मसले यहाँ के मुमरा कलवा के वो मसले जानने की हमने कोशिश पूरी आपके माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से की है। उसमें से जो मसले है तो मैंने मेरे भाषण में बताया है, कब्रिस्तान का मसला है, दीवा में डंपिंग ग्राउंड का मसला है, वहाँ पे समांतर रोड का मसला है, पैरेलल रोड का मसला है और सबसे बड़ा टोरंट का मसला है यहाँ पे। तो पहले हमने टोरंट का मसला हाथ में लेने की ठान ली है और इस दशहरा के शुभ मुहूर्त पर हम यहाँ पे टोरंट के खिलाफ आंदोलन चालू करने वाले हैं। हम सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे शुरू करने वाले, जैसे हमने किसान कायदा है, जो किसान बिल है, एग्रीकल्चर बिल है, फार्मर्स बिल है और जैसा ये इसका वर्कर्स बिल है उसके खिलाफ जैसे हमने आंदोलन छेड़ा है वैसे टाइप का आंदोलन हम ये छेड़ने वाले हैं 26 तारीख से। और हम सभी मुमरा वासियों है, कलवा वासिया है, विटा वासी है, कौसा वासी है और दीवा के जितने लोग हैं उनको सबसे हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं आपके माध्यम से ज्यादा तादाद में उतर के लाखों के मुहिम में लाखों के मुहिम से आप वहाँ पे सिग्नेचर मुहिम में आप शामिल होजिए और कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए ताकि हम जाके नितिन राउत जी से स्टे ले सके। टोरंट के बारे में जानकारी दी कार्यकर्ताओं से, तो क्या क्या उन्होंने बताया है कि टोरंट, वो तो आपने देखा कि बिलों में गड़बड़ी है, टोरंट का जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ क्लॉजेज है कि वो मेंटेनेंस करेंगे, नए मीटर्स लगाएंगे, नए ट्रांसफॉर्मर्स लगाएंगे, नए मीटर रीडर्स लगाएंगे, वो कुछ हुआ नहीं है, अंडरग्राउंड केबल्स करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी टोरंट ने वो क्यों किया नहीं हम जान के लेंगे, जब हमारी बैठक होगी तब हम जान के लेंगे और उस पर हम कार्रवाई। पूरी जानकारी जो दिया गया है कार्यकर्ताओं ने दिया, इस पर आप क्या टोरंट से कहेंगे कि वो हल निकाले या फिर ये मुद्दों को लेकर आप आगे टोरंट को कैंसिल करा देंगे? पहला टोरंट से स्टे लेंगे, टोरंट पहला स्टे है उसके बाद बातचीत। हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नेता नहीं, हम आमदार नहीं, हम खासदार नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। इससे पहले भी स्टे लिया गया था, इससे पहले स्टे लिया गया था ना कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे अभी गोविंद भगत जी ने बताया कि बानकुले साहब ने स्टे दिया था, मैंने मेरे पास कागज नहीं, जब तक मेरे पास कागज नहीं है तब तक मैं ऑफिशियली बोलता नहीं। हाँ वो मैं जानकारी लूंगा, इसके बारे में अभी भाष्य नहीं कर सकता। आपकी ये जो मुहिम है टोरंट को भगा कर ही रही है? 100% टोरंट को भगाएंगे। टोरंट अगर फैमिली मेंबर बनना चाहता है तो टोरंट को आम नागरिकों के साथ बैठना पड़ेगा, पहला भगाएंगे। अगर आना चाहता है इज्जत देके तो जो लोगों की तकलीफ है पहले दूर करे, एक्चुअल जो मीटर लोगों को मिलता है, एक्चुअल जो बिल लोगों को ये होता है जो पहले था वैसे अगर लेने को एमएससीबी तैयार है या नितिन राउत जी बोलेंगे कि भाई नहीं जो ऐसा एमएससीबी लेती थी जो सेवा देती थी या पहले सुधार करके लेंगे बाद में देखेंगे, अभी तो टोरंट तो फिलहाल टोरंट को भगाएंगे। नहीं भाई आप क्या कहेंगे जिस तरह से टोरंट को लेकर विरोध हो रहा है? हम तो ये कहेंगे जो हमने बोला है वो करके दिखाएंगे, आपके चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर जो बोला था वो करके दिखाएंगे, हम नितिन राउत को मुमरा लगाके रहेंगे ये आपसे। तो आपने सुना कि जिस तरह से विक्रांत चौहान ने बताया कि मुमरा शहर के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर अब वो आगे आएंगे, हालांकि उन्होंने कब्रिस्तान का भी जिक्र किया है लेकिन सबसे पहले उनका कहना है कि जो टोरंट से लोग परेशान है उस पर वो
काम करेंगे, यानी कि आंदोलन करेंगे और सिग्नेचर अभियान भी चलाने की बात की है उन्होंने। हालांकि टोरेंट हटाने की बात उन्होंने की है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की अब ये मुहिम कितना रंग लाती है। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।